यशोमति मैया के नंदलाला। क्या हो गया यशोदा? खुद पूरा सपना देखो क्या? अरे वाह काना, आज तो समय से पहले तैयार होगो तू? तैयार तो होना ही था बाबा, इससे पहले कि राक्षस वृंदावन आकर विध्वंस करे मुझे वन जाके उसका सामना करना है। मैया शीघ्र भोजन बांधो, गाचरण के लिए विलंब हो रहा है। ना, आज कहीं ना जाएगो तुम, आज घर पे विश्राम कर। हे, ऐसा क्यों कह रही हो यशोदा? हर बार क्यों का उत्तर देना आवश्यक ना है जी। मैं ना चाहती आज ये जाए, तुझे ना जाएगो बस। और जे ही क्यों, आज अन्य बालक भी वन में ना जाएंगे गौचारण के लिए, आप गोपो को भेज दो। पर मैया, गौचारण कराना तो मेरा दायित्व है। और तेरी देखभाल करना, तुझे सुरक्षित रखना मेरा दायित्व है। बाबा, आज कछु मत बोल लल्ला। कभी कभी तेरी मैया को मना पाना मेरे बस की भी बात ना होती। आज का छू ऐसो ही दिन है। तूने देखो ना कैसे निर्णय करके बैठ गई है। इससे पहले कि वो राक्षस जग जाए और वृंदावन वासियों को कोई हानि पहुंचाए, मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा। पर कैसे? मैया, जाने दो ना तो क्या कहेंगे सब? कान्हा ने दूसरे दिन ही छुट्टी ले ली। जिसे जो कहना है कहे, मेरे लिए तेरी सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण और कछु ना है। देख लल्ला, ना जाने क्यों मेरा मन कह रहा है कि आज वन सुरक्षित ना है, इसीलिए हट मती कर, आज किसी भी मूल्य पे जाने ना दूंगी तुझे। मैया ने ठान लिया आज वन जाना है तो कोई और ही उपाय खोजना पड़ेगा यहाँ से निकलने का। सुनो, आज गौचारण के लिए गोप जा रहे हैं, हमारी छुट्टी है आज। पर क्यों बोल रहा हूँ, वो तो कान्हा ही जाने। सारी मैया ऐसे होती है क्या मुन्नी? पहले सेमी कहती है कि बड़ी हो जाओ, सब कुछ नियम से किया करो, अनुशासन सीखो। सेमी उसे तुड़वा के कहती है आपकी छुट्टी। तू चाहे जितना भी स्वांग कर ले लल्ला, कछु भी कह ले, कछु भी कर ले, मैं तो तुझे बाहर ना जाने दूंगी। वन छोड़, मैं तो तुझे चौबारे तक भी जाने की आज्ञा ना दूंगी आज। चल पी ले अब। आप समझ नहीं रही हो, मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी मैया। हा
दिन निकले पूरे प्रहर बीत गया। इन गोपों में तो कोई भी बालक नहीं है, परंतु कंस ने तो कहा था कृष्ण गोपालक है। लगता है मुझसे भयभीत हो गया है वो, तभी तो आज गौचारण के लिए नहीं आया। पर मैं भी वकासुर हूँ, जल में छिपी हुई मछलियों को ढूंढ निकालना बहुत अच्छी तरह आता है मुझे। गोप और गैया संकट में है, मुझे शीघ्र ही वहाँ पहुँचने का कोई उपाय खोजना होगा। क्या सोच रहे है? शीघ्र समाप्त कर, चल। शीघ्र समाप्त करते भी क्या करूँगा मैया, आप मुझे कहीं तो जाने ही दूंगी ना, जाके सिखाओ के साथ भी ना खेल सकता। वो तो है, पर मैं भी तो हूँ, मेरे साथ तो खेल सकते है ना? सच्ची? सच्ची। जो मैं खेल बोलूंगा वो ही खेल खेलोगे आप? हाँ। आप मिठोली खेलते हैं? बहुत दिन हो गए। ठीक है, पर पहली पट्टी तेरी आँख में बंधेगी लल्ला। मुझे स्वीकार है। चल पहले दूध समाप्त कर, पूरा समाप्त कर। जी हुई ना बात, अच्छा खड़ा। कुछ दिख तो ना रहा? किसी को हानि पहुंचाए मुझे उस तक पहुंचना होगा। शीघ्रता करनी होगी मुझे। हाँ हाँ पकड़ लियो, पर तू तो अभी वहाँ था ना, यहाँ कैसे आ गए? आप भी तो वहीं थे मैया, शीघ्र यहाँ कैसे आ गए? बहाना बनाने से ना बनूंगा मैं। चलो अब आपकी बारी। हाँ हाँ ठीक है। क्षमा करना मैया, पर मुझे जाना पड़ेगा। मैया पकड़ो मुझे। कहाँ है लल्ला?
योजना सफल हो गई। मुझे माफ करना मैया, आपको बिना बताए जाना पड़ रहा है। मिल रहा है अभी तक। कहना तो अभी बता दे तो। हो तो ना सवाल। वो देख। क्या कर रहा है इतनी शीघ्रता में? वन की ओर जा रहा। वो सारे कर ले। चले। हाँ। कृष्ण, तुझ पर क्या प्रहार करूं मैं? मुझे तो लगा था विष्णु की तरह तेरे एक हाथ में चक्र होगा, दूसरे में गदा। पर तू तो नन्हा सा बालक है, कोई शक्ति नहीं है तेरे पास और ना ही है कोई अस्त्र या शस्त्र। तेरा सामना करने के लिए मुझे अस्त्रों और शस्त्रों की आवश्यकता ना है राक्षस। बकासुर नाम है मेरा। वही वकासुर जो अपनी बहन पूतना की हत्या का प्रतिशोध लेने आया है। जानता है इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, यम या कोई भी अन्य देवता कोई मेरे समान शक्तिशाली नहीं है। और तू मुझ जैसे पर्वत के सामने एक दिन के जैसा तू करेगा मेरा सामना? तू रोकेगा मुझे? बस एक ही प्रहार में तुझे अपना आहार बना लूंगा मैं। छोटा चना बाजेगा ना? धमकियां देने से युद्ध नहीं जीते जाते बकासुर। जो कर रहे हो करके दिखाओ। लल्ला, देख तेरी मैया थक गई है। अब बस कर लल्ला, ताली बजा। काना, अब बस कर। ताली बजा, कोई संकेत तो दे, बता कहाँ है तू।
आप भी ना बड़े हो गए हो पर बचपन आना गया आपका ना। अजय कहाँ गया? जी रोकाना। जी फिर से मेरे साथ छल करके भाग गया और गए हो कहाँ? नंदराज, नंदराज, भानु, वो पंछी, राक्षस, पंछी, बहुत बड़ा पंछी, भानु, राक्षस, राक्षस, भानु क्या क्या होगो? तुम बैठो, यशोदा जल लेकर आओ, बैठो। यदि आपको भूख लगी है तो मुझे खा लो, पर मेरे सकाओ को छोड़ दो पंछी जी। आप मुझे ही खा लो, लेकिन कान्हा को छोड़ दो। हम सबको खा लो, पर कान्हा को जीवन दान दे दो। कितनी अद्भुत है प्रभु के सखाओं की ये भावना कि सखा के प्राण को बचाने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने को भी तत्पर हैं ये सब। देवराज, वैसे तो प्रभु क्षण भर में सब कुछ संभाल सकते हैं, पर हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। प्रभु की सहायता हमें करनी होगी। हाँ देवराज, प्रभु की सहायता करनी चाहिए हमें। स्वयं नारायण की कृपा है हमारे मित्र पर, उसे छोड़ दो, अन्यथा देवता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर मैं देवता के आने की प्रतीक्षा नहीं करूँगा। मेरे भाई को इसी क्षण मुक्त कर दो असुर, या फिर मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। आवश्यकता पड़ी तो तुम्हारा उधर फाड़ के भी अपने भाई की रक्षा करूंगा मैं। तो फिर आ बालक, तुझे भी तेरे भाई के पास पहुंचा देता हूँ मैं। प्रयास करके तो देखो दोस्त, तुम्हारे चोंच के टुकड़े टुकड़े ना कर दिए तो मेरा नाम भी बलराम नहीं। प्रार्थना स्वीकार हो गई मधु, हमारे कान्हा की रक्षा करने स्वयं देवता आ गए। करो इंद्र, अपने वज्र का प्रयोग मत करो, तुम्हारे प्रहार से मुझे गुदगुदी हो रही है। पर मेरी ज्वाला गुदगुदी नहीं करेगी, वकासुर जलाकर भस्म कर देगी। क्या बहुत बड़ो? बहुत बड़ो पंछी, पंछी, बहुत बड़ो पंछी, पंछी नहीं वो राक्षस, कान्हा को निगल गयो। कान्हा, मेरे उदर की जठराग्नि भी तुम्हारी ज्वाला से अधिक तीव्र है अग्निदेव। अब यम का पाशी दंड देगा इसे। हाँ,
Ha 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 ha